नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। खास यह है कि बिहार की जितनी भी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शिरकत करने वाली है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। एक समय उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का पहुल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इन तीनों राजनीतिक पार्टियों से आम जनता का मोह यानी कि उसका भरोसा उठता गया। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सत्ता पर कोई एक व्यक्ति या फिर एक पार्टी का वर्चस्व नहीं हो सकता। अब अगर हम बिहार के हिसाब से उत्तर प्रदेश को देखें तो बिहार की लगभग राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में दिलचस्पी दिखा रही है। चाहे वह उत्तर प्रदेश में किसी उत्तर प्रदेश की पार्टी के साथ अलायंस में चुनाव लड़ने की बात हो या फिर एकल में चुनाव लड़ने की बात हो, बिहार की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार एनडीए के तीनों साथी के बारे में। बिहार में जदयू, हम और वीआईपी चुनाव में मैदान में उतरने की बात कह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात होती है तो सबसे पहले जेहन में जो नाम आता है वह है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। मुकेश सहनी मीडिया की चर्चा में तब आए जब वे उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों में पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा लगाना चाहते थे, लेकिन योगी सरकार ने कोर्ट का हवाला देते हुए प्रतिमा लगाने से मना कर दिया और मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में घुसने तक नहीं दिया गया। बिहार आने के बाद उन्होंने योगी सरकार पर कई आरोप लगाए, साथ ही साथ बिहार बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप लगाया, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता ने योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया था। खैर, अब मुकेश सहनी के तेवर और भी बदल गए हैं। उन्होंने दैनिक जागरण से बात करते हुए कहा कि अब वे उत्तर प्रदेश के हर घर में फूलन देवी की प्रतिमा लगाएंगे। इतना ही नहीं, वे फूलन देवी के लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे लोग फूलन देवी के विचारों से प्रभावित होंगे। मुकेश सहनी 15 अगस्त को लखनऊ में मीडिया को संबोधित करने वाले हैं। इधर जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी और लोगों से उम्मीद पर खरा भी उतरेगी। साथ ही ललन सिंह ने कहा कि पहले हम बीजेपी से बात करेंगे और बात नहीं बनने पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यूपी चुनाव लड़ने को लेकर जदयू ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भी बीजेपी और जदयू के साथ लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन आखिर समय में जदयू चुनाव मैदान में अकेले उतरी। ऐसे में अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में जदयू क्या करती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी की पार्टी हम और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरेगी। चिराग पासवान ने पिछले दिनों बयान देते हुए कहा था कि हमारी स्थिति वहां पर बेहतर है और हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं इधर जीताराम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी उत्तर प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरने की बात कह चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है। हमने पहले ही कहा है कि बिहार की ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में दिलचस्पी दिखा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लगने वाले इलाकों में बिहार की राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव रहेगा। वहीं अगर हम जाति विशेष की बात करें तो मुकेश सहनी की पार्टी अपने समाज के लोगों को गोलबंद करने में लगी हुई है। वहीं इधर चिराग पासवान पहले से जीते हुए सीटों को एक बार फिर से बचाने की कवायद में लग गए हैं। अगर हम बात राजद की करें तो राजद ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, लेकिन उन्होंने यह कहा है कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव में होंगे पर कैसे होंगे इसको लेकर साफ नहीं किया है। कांग्रेस के साथ होंगे या फिर सपा के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लालू यादव की मुलाकात मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से हुई है। ऐसे में अब देखना है कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश चुनाव में किसको सबसे ज्यादा परेशानी में डाल सकती है। तो ये थी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।